सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल YouTube चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। श्लोके दीर्घ शिव उवाच देवे त्वं भक्तसुलभे सर्वकार्यभिधायिनि कलाहि कार्यसिद्ध्यर्थम् उपायं ब्रूहि यत्नतः देव्यो उवाच शिवो देव प्रवक्ष्यामि कलौ सर्वेश्व साधनम् मया त्वमेव स्नेहेन ब्रह्मास्तुति प्रकाश्यते अस्य श्रीदुर्गसप्तश्लोके स्तोत्रमन्त्रस्य नारायण ऋषिः अनष्टवछन्दः श्रीमहाकाले महालक्ष्मी महासरस्वत्या देवताः श्रीदुर्गा प्रीत्यर्थम् सप्तश्लोके दुर्गा पाठे विनियोगः ॐ ज्ञानिनाम विचेतसि देवि भगवती सा बलादा कृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति दुर्गे स्मृता हर्षिभेतिमशेषजन्तुः स्वस्तेः स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि दारिद्र्यदुःखभयहारिणिका त्वदन्या सर्वप्रकारकरणाय सदा रचिता सर्वमङ्गलमङ्गले शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तुते शरणागतदीनाथ परित्राणपरायणे सर्वस्यार्ति हरे देवे नारायणि नमोऽस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेश सर्वशक्ति समन्विते द्वयव्यस्राहिनो देवि दुर्गे देवि नमोऽस्तुते रोगान्न शेषान्न महर्षि तुष्टा हृष्टा तु कामान् सकलान्नभीष्टान् त्वामाश्रितानां न विपन्नधानाम् त्वामाश्रितायाश्रयतां प्रयान्ति सर्वभाषा प्रशमनं त्रैलोक्यसखिलेश्वरि एवमेव त्वया कार्यम् अस्वल्वैरिविनाशनम् ॐ श्री दुर्गायै नमः श्रीदुर्गस्तोत्र शतनामस्तोत्र ईश्वर उवाच शतनाम प्रवक्ष्यामि शकमलानने यस्य प्रसादमात्रेण दुर्गा प्रीता भवेत् सति ॐ सति साधि भव प्रीता भवानि भवमोचने आया दुर्गा जया जाध्यात्रिनेत्राशूलधारिणि पिनाकधारिणी चत्रा चन्द्रघण्टा महाद्वा
मनोबुद्धिरहङ्कारा चित्तलोभा चिताचितिः सर्वमन्त्रमयी सत्ता सत्यानन्दस्वरूपिणी अनन्ता भाविनी भव्या 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 सदा जगिः शाम्भवी देव माता च चिन्ता रत्ना प्रिया सदा सर्वविद्या दक्ष कन्या दक्ष यज्ञविनाशिनी अपर्णा रेखवर्णा च पाटला पाटलावती पट्टाम्बरफलिधाना कलमञ्जीररञ्जिनी अमेय विक्रमा क्रूरा सुन्दरी सुरसुन्दरी वनदुर्गा च मातङ्गे मतङ्गा मुनिपूजिता ब्राह्मी माहेश्वरी चेन्द्री कौमारी वैष्णवी तथा चामुण्डा चैव वाराहे लक्ष्मी च पुरुषाकृतिः विमला दुरर्शने ज्ञाना क्रिया नित्या च बुद्धिदा बहुला बहुल प्रेमा सर्ववाहन वाहना निशुम्भशुम्भहरणे महिषासुरमर्धिनी मधुकेतवहन्त्रे च चन्द्रमुण्डा विनाशिनी सर्वासुरविनाशा च सर्वदानवघातिनी सर्वशास्त्रमयी सत्या सर्वास्त्रधारिणी तथा अनेकशस्त्रहस्ता च अनेकास्त्रस्य धारिणी कुमारी चैककन्या च केशोरी युवती यतिः अप्रौढा चैव प्रौढा च वृद्धमाता बलप्रदा महाधनी मुक्तकेशे घोररूपा महाबला अग्निज्वालारुद्रमुखे कालरात्रि सवस्विनी नारायणे भद्रकाले विष्णुमाया जलाधरे शिवधूते कलाले च अनन्ता परमेश्वरे कात्यायने च सावित्रे प्रत्यक्षा ब्रह्मवाधिने यायुधं प्रभटे नित्यं दुर्गा नाम सदाशरम् नासाध्यं विद्यते देवे त्रिषु लोकेषु पार्वते धनं धानं सुतं जायामयामस्ति नमेव च चतुर्भर्गं तथा चान्दलभेर्मुक्तिं च शाश्वते कुमारीं पूजयित्वा तु ध्यात्वा देवीं सुरेश्वरीं पूजये परिहा भक्त्या पठे नाम शताष्टकम् तस्य सिद्धिर्भवे देवे सर्वैः सुरभरैरपि राजानो दासनां यान्ते राज्यश्रियमवाप्नुयात् गोरोचनालक्तकटुङ्कुमेण सिन्दूरकर्पूरमधुत्रयेण विलेख्ययन्त्रं विधिना विधिज्ञो भवेत् सदाधार्यते पुरारिः भौमाभाषानिशामग्रे चन्द्रेशदृशां गते विलेख्य प्रपठे स्तोत्रं स्वभवे सम्पदां पद प्रातःकालीन आरती की इस पवित्र वेला में आप सब भक्तों का माँ भगवती के दरबार में अभिनंदन आप सबका हार्दिक स्वागत इस समय विश्व के कल्याण के लिए स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति की जा रही है विश्व के कल्याण में ही हम सब का कल्याण है इस समय वैदिक मंत्रों द्वारा षोडशोपचार से विधिवत इस दिवगुह के अंदर माँ विभूति की पूजा माँ की अर्चना की जा रही है ऐसी मान्यता है कि जब माँ विभूति की पूजा होती है पूजा के समय समस्त देवतागण भी गर्भ माँ विभूति स्तुति करते हैं आरती के इस पवित्र वेला में जो ये भक्तजन भक्ति भाव से एकाग्रचित होकर के विशुद्ध मन से माँ विभूति का ध्यान करते हैं माँ का नाम स्मरण करते हैं माँ भगवती की स्तुति करते हैं माँ भगवती प्रसन्नता पूर्वक उन भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार कर करके उन्हें वरदान देती हैं आप सभी भक्तजन माँ भगवती के दरबार में विराजमान हैं आप
जो लक्ष्य लेकर घर से चले हैं उसी लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित कर करके भक्ति भाव से माँ भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए माँ से प्रार्थना करें। माँ भगवती आप आए हुए शरणार्थ भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार कर करके आपको आशीर्वाद दें, आपकी मनोकामना को आपके मनोर्थ को पूर्ण करें। ये आरती की वेला है, बड़ी उत्तम वेला है। इस पवित्र वेला में की भगवती की आराधना अर्चना पुण्य कर्म माँ भगवती की स्तुति इसका अक्षय फल होता है। विद्वानों द्वारा आपके कल्याण के लिए, आपके सुख समृद्धि के लिए, आपके अवधि के लिए, आपकी उन्नति के लिए, आपके दीर्घायु के लिए स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति की जा रही है। यह स्तोत्र वास्तव में परम कल्याणकारी है, सुख शांति सुख समृद्धि को देने वाले है, धन धन की वृद्धि करने वाले है। जो भी भक्तजन भक्ति पूर्वक इन स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति करते हैं, माँ की कृपा से माँ के आशीर्वाद से उन भक्तजनों के जीवन में सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि रहती है। वह भक्तजन वह साधक जन माँ के आशीर्वाद से जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ उन्हें कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है, धन लाभ होते हैं, उनका यश उनका मान उनकी कीर्ति बढ़ती है, वह आरोग्यता को प्राप्त होते हैं, दीर्घायु को प्राप्त होते हैं, उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती, वह पूर्ण आज का भोग करते हुए धर्म के मार्ग पर चलते हुए धर्मानुकूल कर्म करते हुए इसमें जगजन्य मां जगदम्बा की आराधना अर्चना करते हुए परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। आप सभी अपना ध्यान माँ के चरण में ले जाइए और भक्ति भाव से एकाग्रचित होकर के विशुद्ध मन से इन स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति कीजिए। माँ भगवती आप शरणार्थ भक्तों का कल्याण करें, आप सबका मंगल करें। अथ देव्यः कवच ॐ अस्य श्रीकण्ठे कवचस्य ब्रह्मा ऋषिः कनिष्ठवछन्दः चामुण्डा देवता अञ्जनासकमातराभीजम् दिगबन्धदेवता सत्त्वम् श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशति पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः। ॐ नमः शण्डिकायै मार्कण्डे उवाच ॐ यद्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरं विनां यन्न कस्याचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह। ब्रह्म उवाच अस्तुहुयतां विप्र सर्वभूतापकारकम् दिव्यासु कवचं पुण्यं दशनुष्व महामुने प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणीं तृतीयं चन्द्रघण्टेति कुष्माण्डेति चतुर्थकं पञ्चमं स्कन्धमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रेति महागौरेति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गः प्रकीर्तिताः। उक्तानेतानि नामानि ब्रह्मणेव महात्मना अग्निना दह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतोरणे विषमे दुर्गमे चैव भयातः शरणं गता नादेशं जायते किञ्चिदशुभं रणसङ्करे नापदं तस्य पश्यामि शोकदुःखमयं नहि येष भक्त्या सुदानूनां तेषां वृद्धिः प्रजायते येष्वा स्मरन्ति देवेशे रक्षसेतान संशयः प्रेतसंस्थातु चामुण्डा भाराहि महिषासना इन्द्रिगजसमारूढा वैष्णवी गरुडासना माहेश्वरी वृषारूढा कौमारी शिखिवाहना लक्ष्मीः पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ब्राह्मे हंस समारूढा सर्वाभरणभूषिता इत्येता मातरा सर्वा सर्वयोगा समन्विता नानाभरणशोभाढ्या नानारत्नोपशोभिता दृश्यन्ते रथमारूढा दिव्यः क्रोधः समाकुलाः
शंखं चक्रं गदा शक्तिं हलं च मुसलायुधम् खेटकं तामरं चैव परशुं पाशमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च शारङ्गमायुधमुत्तमम् दैत्यानां देहनाशाय भक्तानां भयाय च नारयन् चायुधानित्थं देवानां चयिताय मे नमस्य सोमहारुद्रे महाघोरपराक्रमे महाभरे महोत्साहे महाभयविनाशिनी प्रायमां देवि दुष्कृष्य शत्रुनावयवर्धिनी प्राचां रक्षतु ममेन्द्रियाग्नेयामग्निदेवता दक्षिणेव दुवाराहि नैत्यां खड्गधारिणी प्रतीचां वारुणे रक्ष वायव्या मृगवाहिनी उदीचां वादुकुमारी एषा नाशूलधारिणी ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षेतदस्ताद् वैष्णवी तदा एवं दश दिशो रक्ष चामुण्डा शववाहना जया मे चाकृतः पातो विजया पातो पृष्ठतः हरिताभाम पार्श्वेतो दक्षिणे चापराजिता शिखामुद्योतिनी रक्षेतु मामूर्धये व्यवस्थिता बालाधरी ललाटे च भ्रुव रक्षे यशस्विनी त्रिनेत्रा च भ्रुवोर्मध्ये जमघण्टा च नासिके शङ्खने चक्षुयोर्मध्ये श्रोतयोर्द्वारवासिनी कपालोकालिका रक्षे कर्णमूले तु शाङ्करी नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोश्चे च चर्चिका अधरे चामृतकला जिह्वायां च सरस्वती दन्ता रक्षतु कौमारी कण्ठदेशे तु चण्डिका घण्टिकां चित्रघण्टा च महामाया च तालुके कामाक्षी चुकुं रक्षे वाचं मे सर्वमङ्गला ग्रीवायां भद्रकाले च पृष्ठवंशे धनुर्धरि नीलग्रीवा बहिः कण्ठे नलिकां नलकुभरि कन्द्योः खड्गनी रक्ष बाहुमे वज्रधारिणी हस्तयो दण्डनी रक्ष अम्बिका चाङ्गलेषु च कथाशूलेश्वरी रक्ष कुक्षो रक्ष कुलेश्वरी सनो रक्ष महादेवी मनः शोकविनाशिनी हृदये ललिता देवी उदरे शूलधारिणी नाभोजुकामनि रक्ष गुह्यं गुहेश्वरी तथा भूतनाकामिकामृगं गुदे महिषवाहिनी कट्यां भगवती रक्ष जानने विन्ध्यवासिनी जङ्घे महाबला रक्ष सर्वकामप्रदायिनी गुल्भयो नारसिंहे च पादपृष्ठे तु तेजसि पादाङ्गुलेषु श्रीरक्ष पादादस्थलवासिनी नखाङ्गस्वाकराली च केशाश्वर्वोद्धकेशिनी रोमकूपेषु कुबेरे कुचं वागेश्वरी तथा रक्तमज्जावसामासान्यसि मेधांसि पार्वती अन्त्राणि कालरात्रिश्च पित्रं च मुगुणेश्वरी पद्मावती पद्मकोशे कभे चूडामणे सदा ज्वालामुखे नखज्ज्वालामवेद्या सर्वसन्धिषु शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्षे छायां क्षत्रेश्वरी तथा अहङ्कारं मनो बुद्धिं रक्षे मे धर्मधारिणी प्राणापानो तथा व्यानम् उदानं च समानकम् वज्रहस्ता च मे रक्ष प्राणं कल्याणशोभनम् रसरूपे च गन्धे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी सत्त्वं रजस्तमश्चैव रक्ष नारायणी सदा वायु रक्षतु वाराहि धर्मं रक्षतु वैष्णवी यशः कीर्तिं च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च चक्रिणीं गोत्रमिन्द्राणि मे रक्ष पशु मे रक्ष चन्द्रिके पुत्रा रक्ष महालक्ष्मी भार्यां रक्षतु भैरवी पन्थानां सुभदा रक्ष मार्गं क्षेमकरे तथा राजद्वारे महालक्ष्मी विजया सर्वदा स्थिता रक्षाहीनं दुःस्थानं वर्जितं कवचेन तु कत्सर्वं रक्ष मे देवे जयन्ति पापनाशिनी
पदमेकं न गच्छेतो जदे शैशवमात्मनः कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्रातलावश्याविजया सार्वकामिकः यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितम् परमेश्वरम् अतुलं प्राप्नोति भूतले पुमान् निर्भयो जायते मध्या सङ्ग्रामेषु पराजितः त्रैलोक्य च भवेत् पूजः कवचेनामृतः पुमान् इदं तु देव्यः कवचं देवानामपि दुर्लभम् या पठेत् परतो नित्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्वितः देवी कला भवेत् तस्य त्रैलोक्येषु पराजितः जीवेद्वर्षिणम् सग्रमृत्यो विवर्जितः नश्यन्ति व्याधया सर्वे नूता विस्फोटकादयः स्थावरम् जङ्घ्रमम् चैव कृत्रिमम् चापि यद्विषम् अविचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले भूचरः खेचराश्चैव जलजा शोभदेशिका सहजाकुलजाबालाडाकिनीशा कैली तथा अन्तरिक्षचरा घोरा डाकिन्नश्च महाबला ग्रहभूतविशाशाश रक्षगन्धर्वराक्षसा ब्रह्मराक्षसमेताला कुष्माडाभैरवादयः नश्यन्ति दर्शना तस्य कवचे हृले संसृले मानो न देवैराज्ञस्ते जावृद्धिकरम् परम् यशसा वर्धते सोमे कीर्तिमण्डितभूतले जपे सप्तशतीम् चण्डीम् कृत्वा तु कवचम् पुरा यावद्भूमण्डलम् दत्त स्वशेनावनकारणम् तावत्तिष्ठलिमेदिन्याम् सन्ततिः पुत्रपात्रिकीम् देहान्ते परमम् स्थानम् यत्सुरेरपि दुर्लभम् प्राप्नोति पुरुषो नित्यम् महामाया प्रसादतः लभते परमम् रूपम् शिवेन सह मोदते ॐ अथ अर्गलस्तोत्र ॐ अस्य श्री अर्गलस्तोत्रमन्त्रस्य विष्णो ऋषिः अनष्टमछन्दः श्रीमहालक्ष्मीदेवता श्रीजगदम्बाप्रीतये सप्तशतीपाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः ॐ नमः चण्डिकायै मार्कण्डे उवाच ॐ जयन्ति मङ्गलाकाले भद्रकाले कपालिने दुर्गाक्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुरा नमोऽस्तु ते जय त्वं देवि चामुण्ड जय भूतातिहारिणि जय सर्वगते देवि कालरात्रि नमोऽस्तु ते मधुके नव विद्रामिधात्री वरदे नमः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो देहि महिषासुरनिर्राशे भक्तानां सुखदे नमः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो देहि रक्तबीजावधे देवि चन्द्रमुण्डविनाशिनि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो देहि शुम्भस्य मणिशुम्भस्य धूम्रक्षस्य मर्धिनि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि वन्दितान्द्रियुगे देवि सर्वसौभाग्यदायिनि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि अचिन्त्यरूपचरित सर्वशत्रु विनाशिनि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि न देव्यः सर्वदा भक्त्या चन्द्रिके दुरितामहे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि सुभद्रो भक्तिपूर्वं त्वं चन्द्रिके व्याधिनाशिनि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि चन्द्रिके सततं जय त्वामर्चयन्ति भक्तितः
रूपं देहि जयं देहि जशो देहि द्विषो जहि देहि सौभाग्यम आरोग्यं देहि मे परमं सुखम् रूपं देहि जयं देहि जशो देहि द्विषो जहि विदेहि दुष्टानाशं विदेहि बलमुच्चके रूपं देहि जयं देहि जशो देहि द्विषो जहि विदेहि देवि कल्याणं विदेहि परमं श्रियं रूपं देहि जयं देहि जशो देहि द्विषो जहि सुरासुरशिरोरत्ननिदृष्टचन्द्राम्बिके रूपं देहि जयं देहि जशो देहि द्विषो जहि विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं कुरु रूपं देहि जयं देहि जशो देहि द्विषो जहि प्रचण्डदत्तदर्वग्नचण्डिके प्रणताय मे रूपं देहि जयं देहि जशो देहि द्विषो जहि चतुरभुज चतुर्वक्रासुदे परमेश्वरि रूपं देहि जयं देहि जशो देहि द्विषो जहि कृष्णेन संसुते देवे शश्रद्भक्त्या सदाम्बिके रूपं देहि जयं देहि जशो देहि द्विषो जहि हिमाचलसुधानाथा संसुते परमेश्वरि रूपं देहि जयं देहि जशो देहि द्विषो जहि इन्द्राणि परिषद्भावा पूजिते परमेश्वरि रूपं देहि जयं देहि जशो देहि द्विषो जहि देहि प्रचण्डदुर्दण्डदत्तदर्पविनाशिनि रूपं देहि जयं देहि जशो देहि द्विषो जहि देवी भक्तजनो धाम दन्तानन्दोदयाम्बिके रूपं देहि जयं देहि जशो देहि द्विषो जहि पत्नी मनोरमा देहि मनोवृत्तानुसारिणीं सारिणीं दुर्गसंसारसागरस्य कलोद्भवाम् इदं स्तोत्रं गणयित्वा तु महास्तोत्रं पठेदरः स तु सप्तशति सङ्ख्या परमापनोति संवदाम् अथ कीलक ॐ अस्य श्रीकीलकमन्त्रस्य शिवऋषिः गणष्टोच्छन्दः श्रीमहासरस्वतीदेवता श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थम् सप्तशतीपाठाङ्गत्वेन जपेऽभिनियोगः ॐ नमः चण्डिकायै मार्कण्डेयोवाच ॐ विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदे दिव्यचक्षुषे श्रियाप्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्थधारिणे सर्वमेतद्धियानीयान् मन्त्राणामभिकीलकम् स्वामी क्षेमम् वाप्नोति सततम् व्याप्य तत्परः सिद्ध्यम् तु चाटनादीनि वस्तूनि सर्वदान्यपि एतेन सुमदाम् देवी स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यति न मन्त्राणौषधम् तत्र न किञ्चिदपि विद्यते विना जापेन सिद्ध्येत सर्वमुच्चाटनादिकम् समग्राण्यपि सिद्ध्यन्ति लोकशङ्कापि मामरः कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेवामिदम् शुभम् स्तोत्रमे चण्डिकायासो तच्च गुप्तम् च कार्यसः समाप्य न च पुण्यस्य तायसा वह्नियन्त्रणाम् स्वभिक्षेमम् भाप्नोति सर्वमेवम् न संशयः कृष्णाया वा चतुर्दश्यामश्चम् व्यावासवाहिलः ददाति प्रतिगृहीणादे नान्यदेशा प्रसीदति इत्थमरूपेण कीलेन महादेवेन कीलितम् यो निष्क्रीणाम् विधायेन नित्यम् लभते सर्वम् स सिद्धः स गणः सोऽपि गन्धर्वो जायते नरः राजेवाम्यस्तस्य वयम् क्वापि ह जायते नाभमृत्यमशम्याते मृता मोक्षमवाप्नुयात्
ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वेत न कुर्व न विनश्यति ततो ज्ञात्वैव सम्पन्नमिदं प्रारभ्यते भुतैः सौभाग्यादि यत्किञ्चे दृश्यते ललनाजले तत्सर्वं तत्प्रसादेन तेन याप्यमिदं शुभम् शनयस्तु जप्यमानस्मि स्तोत्रे सम्पत्तिरुच्यते भवत्येव समग्रापि ततः प्रारभ्यमेव तत् ऐश्वर्यं यत्प्रसादेन सौभाग्यारोग्यसम्पदः शत्रुहानिः परो मोक्षः स्तूयते सानाक्लं जनैः श्रीमहिषासुरमर्दने विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्द शिरोदिनि मासिनि विष्णुविलासनि शृणुते भगवति हेशति कण्ठ कुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपरदिनि शैलसुते सुरभरमर्षिनि धुरधर दर्शिनि दुरमुखमर्षिनि हर्षरते त्रिभुवनमोषनि शङ्कर कोशिशिखरविषमोषनि घोषरते रनुजनि रोषिनि दिदिसुतरोषिनि दुर्मदशोषिनि सन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपरदिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकमर्दिनि शैलसुते शैलनधुरमत शत्रुवधोदिनधुरधरनिरशरशक्तिभृते चतुरविचारधुरे नमः शिवधुरकृताभ्रमसाधिपते दुर्गधुरे हतुराशय दुरमतिदानवधूतकृतान्तपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकमर्दिनि शैलसुते शरणागतभैरवधूवरधीरपरावयदायि करे त्रिभुवनमस्तकशूलविरोधि शिरोधि कृताबलशूल करे द्रुमि द्रुमिताबलदन्दविनादमहो मुखरे कृतकृतम करे जय जय हे महिषासुर धूम्रविगोचन धूम्रशने कमर विशोषित शोन कवि समुद्भव शोन कवि जलते शिव शिव शुम्भन शुम्भ महावकर्पित भूत पिशाचरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकमर्दिनि शैलसुते शङ्कृङ्गहताभुके विगजतुरङ्गलकृतिरङ्गकटद्बहुरङ्गरकद्बुके जय जय हे महिषासुरमर्दिनि शैलसुते जय जय जप्त जय जय शब्द परस्तुति तत्परमेश्वरुते जन जन जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकमर्दिनि शैलसुते हरि सुमनः सुमनः
कल लास्ट पेज पेज नंबर 30 माँ से क्षमा प्रार्थना ही अक्षमा प्रार्थना अपराध सहस्राणि दियन्ते हरणि शम्भया दासोऽयमिति मा मत्वा क्षमस्व परमेश्वरि आवाहनं न जानामि राजानां विसर्जनम् पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरि मन्त्रहीनां क्रियाहीनां भक्तिहीनां सुरेश्वरि जत्पूजितं मया देवि परिपूर्णं मदस्तुरे अपराधशतं कृत्वा जगदम्बे चोच्चरे जागरणं समभावति काता ब्रह्मादयः सुराः सापराधोऽस्मि शरणं प्राप्तस्त्वां जगदम्बिके इदानीमनुकं प्रोऽहं यथेष्टि तथा कुरु ज्ञानाभिस्मृते भ्रान्त्या जनो नामधिकाङ्कृता तत्सर्वं क्षम्यता देवि प्रतिदारमेश्वरि कामेश्वरे जगन्मातः सच्चिदानन्दविग्रहे शब्द मनोर्थ पूर्ण करण वाली माता तेरी सदा ही जय सबको सद्बुद्धि देने वाली माता तेरी सदा ही जय बोलो सच्चे दरबार की जय। तभी ओम शब्द का नाद होगा, तीन बार ओम का उच्चारण किया जाएगा। आप सभी भक्तजन भक्ति भाव से हृदय से बाहर निकाल तो लंबे स्वर से सभी ओम का पाठ करेंगे। माँ से यह प्रार्थना करते हुए कि हे माँ, इन स्तोत्रों द्वारा इन मंत्रों द्वारा जो आपकी स्तुति की गई है इसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और हम भक्तों का वरदान दो, हम भक्तों का कल्याण करो। सभी भक्ति भाव से माँ से प्रार्थना करते हुए ध्यान मुद्रा में तीन बार सभी एक साथ ओम का पाठ करेंगे। बड़ा शुभ समय और भक्तों के आरती का प्राप्त हुए हैं। इसमें जगजननी यक्त माता के दरबार में आकर के इस परम पवित्र स्थल पर बैठ करके माँ भगवती की आराधना करने का पुण्य अर्जित करने का इस जगजननी यक्त माता की कृपा प्राप्त करने का आप भक्तों को सौभाग्य प्राप्त हुए हैं। माँ भगवती आदिशक्ति इस गुहा के अंदर तीन दिव्य पिंडी गुरु विराजमान हैं, माता महाकाली, माँ लक्ष्मी वैष्णवी और माता महासरस्वती।
मां भगवत के जो मूल आधार है मूल जड़ से जे एक ही पिंडी ही साढ़े पांच फुट जे पिंडी है चरने चरण गंगा बहती ही ऊपर आकर के तीन शक्ति बन गए तीन स्वरूप हो गए हैं और इन तीनों महाशक्तियों के जो दर्शन है वह पिंडी स्वरूप है। माता महाकाली जो भक्तों को शक्ति का वरदान देती शत्रु का नाश करती हैं रोगों से मुक्ति देती हैं शत्रु और विजय दिलाती हैं देश विदेश में अंग संग रक्षा करती हैं। माता महालक्ष्मी माँ वैष्णवी ये शरणार्थ भक्तों को धन लक्ष्मी का वरदान देती हैं कार्य सिद्ध करती हैं कारोबार में वृद्धि करती हैं सर्वत्र जो है भक्तों का मंगल मंगल करती हैं। माता महासरस्वती ये शरणार्थ भक्तों को विद्या बुद्धि का वरदान देती हैं। जी माँ भगवती जहाँ पर एक साथ तीन शक्ति के विराजमान हैं और इन तीनों शक्तियों की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भक्तजन माँ के दरबार में आकर के भक्ति भाव से करवत प्रार्थना करते कि देवी प्रसन्न होइए और प्रसन्नता पूर्वक हम भक्तों का आशीर्वाद दीजिए। यहाँ पर माँ भगवती के तीन पिंडिरों में दर्शन है भाई सामने भगवान शिव के दर्शन है। ऐसी मान्यता है जहाँ शिव है वहाँ शक्ति है और जहाँ शक्ति है वहाँ शिव जो है अवश्य में विराजमान रहते हैं। तो शिव शक्ति के एक साथ जो है यहाँ पर जो इस गुफा के अंदर साक्षात दर्शन है क्योंकि भगवान शिव और माँ जगदम्बा जो है जो शक्ति जो जगत के माता पिता है और जहाँ पर जगत के माता पिता के एक साथ दर्शन है और एक साथ जो इनका आशीर्वाद प्राप्त होते हैं जिस आशीर्वाद से वह भक्तजन जो है सब ओर से परम कल्याण को प्राप्त होते हैं और उनके जीवन में सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि रहती है। आज बड़ा ही उत्तम दिन है आज शिवरात्रि है। शिवरात्रि के अवसर पर आप सभी भक्तों को और सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं शिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई और माँ वैष्णो देवी की ओर से सभी भक्तों को वर्धापन आशीर्वाद जो शिव शक्ति आप सबका कल्याण करें आप सबका मंगल करें और आपके सभी कार्यों को सिद्ध करें। बोलो सच्चे दरबार की जय। शिवरात्रि का अर्थ है वह रात्रि जिसका शिव तत्व के साथ जो है गणेश संबंध है भगवान शिव जी की अति प्रिय रात्रि को शिवरात्रि जो है ये कहा गया है। आज के दिन जो ही शिवार्चन भगवान शिव की विशेष अर्चना आराधना पूजा जो है और जागरण शिवाभिषेक जो ही जलधारा जो है जब भगवान शिव के ऊपर जो है अभिषेक किया जाता है इस प्रकार से कहते हैं कि शिवार्चन और जागरण जो है यही और जलाभिषेक जो है ये विशेष इसका बड़ा विशेष महत्व ही आज के दिन जो है पार्वती जी की जिज्ञासा पर भगवान शिव जी ने बताया था कि फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी शिवरात्रि कहलाती ही जो उस दिन जो है उपवास करता है व्रत करते हैं वह मुझे प्रसन्न करते हैं। तो वास्तव में देव देवताओं को प्रसन्न करने के लिए जो है भक्तजन विशेष आराधना अर्चना पूजा करते हैं और इन देवी देवताओं की विशेष दिन होते हैं जिन विशेष दिनों में विशेष पूजा आराधना अर्चना कर करके भक्तजन जो है विशेष कृपा जो है भगवान की प्राप्त करते हैं। जैसे कि नवरात्रों में आप शक्ति पूजा करते हैं माँ भगवती की आराधना करते हैं शिवरात्रि को जो है भगवान शिव की विशेष आराधना अर्चना की जाती है। ऐसे जो है कृष्ण जन्माष्टमी जो है इसमें भगवान कृष्ण की विशेष पूजा आराधना अर्चना की जाती है। इसी तरह से अन्य जो पर्व जो है जिन पर विशेष पूजा आराधना अर्चना कर करके अमोघ देव को जो है प्रसन्न कर करके विशेष कृपा उनका आशीर्वाद जो है ये प्राप्त किए जाते हैं। दुर्गा सप्तशती में भी इसका वर्णन मिलता है कालरात्रि महारात्रि मोहरात्रि च धारुणा ये तीन रात्रियां बतलाई गई हैं कालरात्रि महारात्रि और मोहरात्रि। जी महारात्रि जो है जिसमें वास्तव में रात्रि को देव को रात्रि में जो पूजन किया जाता है तो महारात्रि ये शिवरात्रि जिसका रात को जो पूजन किया जाता है
महोरात्रि जो है यहाँ जी जो है आप दीपावली को माँ लक्ष्मी का पूजन करते हैं, कब? रात्रि को जी। इस प्रकार से कालरात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि च धारणा जी, तीन प्रकार की जो रात्रि जो है ये बतलाई गई है, जिनमें जो है रात्रि में जो पूजन जो है विशेष जो किया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी को जो है ये रात्रि को पूजन होता है। इस प्रकार जो तीन रात्रि के जो पूजन जो है ये दुर्गा सप्तशती में भी इसका वर्णन जो है ये आता है। भगवान शिव की आराधना जो है कहते हैं, ईशान संहिता में बताया गया है कि जो है फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन जो रात्रि के समय आदि देव भगवान शिव जो है करोड़ों सूर्यों के समान जो है प्रभाव वाले लिंग रूप में इनका प्रादुर्भाव हुआ था रात्रि को, और इनका इतना प्रकाश था जैसे करोड़ों सूर्य एकत्रित हो जाए जितना उनका प्रकाश होता है, ऐसा उस समय लिंग के रूप में भगवान जब इनका प्रादुर्भाव हुआ था वैसा इनका प्रकाश हुआ था। इतने प्रकाशित हुए थे फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी, फाल्गुन कृष्ण चतुर्दश्याम आदि देव महर्षि शिव लिंग तयोगत शिव लिंगोद्भूत कोटि सूर्य संप्रभा, कोटि सूर्य के समान जो है इस लिंग का जो प्रकाश था, और जी फाल्गुन कृष्ण पक्ष की जो है चतुर्दशी रात्रि को जो है इनका प्रादुर्भाव था। शिव जी को जो है जहाँ आज के दिन विशेष पंचामृत का स्नान करा करके जो है गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य और विशेष करके इन पर बेलपत्र जो है बेलपत्र और भंग के पत्ते धतूरा ये जो है विशेष इन पर अर्पित कर करके भगवान की आरती करना, और फिर जो है जल में दूध मिला करके धारा लगानी, ओम नमः शिवाय का मंत्र जब जो करें, जा त्रंबकम जजामहे सुगंधम पुष्यवर्धनम और भार गुणोदनान मृत्युर मुक्षि मामृता, जे मृत्युंजय का जब जो है इसका पाठ करते हुए कहते इस तरह से आज के दिन जो है जो इस प्रकार से ही भगवान के नाम का जो है जी जब करते ओम नमः शिवाय जहाँ जे मृत्युंजय का मंत्र जो है तो इससे जो है मनुष्य की जो है रोगों से निवृत्ति होती है, रोग जो है कष्ट जो है वह दूर होते हैं, वह दीर्घायु को प्राप्त होते हैं, और इस प्रकार सुने इस तरह से उनके अकाल मृत्यु नहीं होती है, वह मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। तो जी दीर्घायु को देने वाला आज का दिन जो है भगवान की शिव आराधना जो है जो दीर्घायु को देने वाली ही, रोगों का नाश करने वाली ही, और सब ओर से रिद्धि सिद्धि प्रदान करने वाली ही भगवान शिव जो है जी। जो मैं आपको बता रहा था कि आज के दिन रात्रि को जो है इनका प्रादुर्भाव जो था ये कैसे हुआ था, ये लिंग रूप में कैसे इनका प्रादुर्भाव हुआ था, कहते हैं कि जो आज का ही दिन था फाल्गुन कृष्ण पक्षी चतुर्दशी जो है कि ब्रह्मा ने जब सृष्टि का निर्माण किया, सृष्टि का निर्माण करने के उपरांत जो है ब्रह्मा के मन में जो इच्छा हुई कि जो सृष्टि मैंने की है उसको देखो ये कैसी सृष्टि है, तो उनका ये कार्यक्रम बना कि इस प्रकार से लोकों का मैं भ्रमण करूं, और आप देखिए बड़ा व्यक्ति जब भी जहां भी जाते हैं तो उससे के जाने से पहले सारी व्यवस्था प्रबंध हो जाते हैं। ब्रह्मा जी चले और जहां जहां जाते हैं वहां पर जो सब उनके सम्मान के लिए खड़े हैं, वह देखते हैं। इस प्रकार से सृष्टि का निरीक्षण करते 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 जो है वह क्षीर सागर के पास आ पहुंचे, और वहां पर भगवान विष्णु जो है शेषनाग के सज्जा पर जो है अध लेटे हुए, एक हाथ दाया हाथ नीचे रखा हुआ ऐसे ही, और वह लेटे हुए हैं, और लक्ष्मी जी उनके चरणों में बैठी हुई बस सेवा कर रही है। वहां पर जब पहुंचते हैं अब ब्रह्मा को अहंकार तो हो चुका था कि इस प्रकार से मैंने इतनी बढ़िया सृष्टि की है, सभी मेरा सम्मान करते आदर करते ही, और जो है जब वहां पर पहुंचते हैं क्षीर सागर में भगवान विष्णु जो है वह शेषनाग के सज्जा पर लेटे हुए और लक्ष्मण के चरणों में चरण सेवा कर रही है, और तब जब पहुंचे तो भगवान विष्णु
खड़े नहीं हुए। तब ब्रह्मा ने कहा, क्या आपको पता है कि मैं कौन हूं, सृष्टिकर्ता, और आप मेरे पुत्र हैं। मैं सृष्टिकर्ता और सृष्टिकर चेता हूं। तब जो है भगवान विष्णु ने उसकी ओर देखा और आसन दिया कि आइए बस आसन ग्रहण कीजिए, बैठिए। ब्रह्मा कहते हैं, मैं तेरा पिता हूं, मैं सृष्टि रचयिता हूं, आपको मेरा सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए। भगवान विष्णु कहते हैं कि सृष्टि मुझ में स्थित है, मैं पालन करता हूं, और जो ही आपका प्रादुर्भाव है मेरे नाभि कमल से हुआ है, इसलिए आप मेरे पुत्र हैं। ब्रह्मा कहते हैं कि आप मेरे पुत्र हैं, और विष्णु कहते हैं कि आप मेरे पुत्र हैं। वो कहते हैं, मैं सृष्टि रचयिता हूं, कहते हैं सृष्टि मुझ में स्थित है, यदि मैं पालन नहीं करूंगा तुम्हारी सृष्टि जाएगी कहां, क्या होगा सृष्टि का। एक कहता है कि मैं बड़ा हूं, दूसरा कहता है मैं बड़ा हूं। अब जब दोनों में जो है जी वाद विवाद होने लगा कि ब्रह्मा कहते कि आप मेरे पुत्र हैं, भगवान विष्णु कहते कि आप मेरे पुत्र हैं। ब्रह्मा कहते मैं सृष्टि रचयिता हूं, तो भगवान विष्णु कहते हैं कि आपका प्रादुर्भाव मेरे नाभि कमल से हुआ है, तो आप मेरे पुत्र हुए। कोई निर्णय नहीं हो रहा था तो कहते कि ब्रह्मा को बड़ा क्रोध हुआ। जब क्रोध हुआ अब जो है दोनों का परस्पर युद्ध होने लगा। इतने क्रोधित हो गए कि दोनों का जो है परस्पर युद्ध होने लगा, और ऐसा भयंकर युद्ध जो है, और ऐसे ऐसे अस्त्र शस्त्रों का वे प्रयोग करने लगे कि तीनों लोग जो थे हिल गए। कहते कि समझ देवगण जो है उस समय भगवान शिव के पास गए और उनसे प्रार्थना की, महाराज आप जानते हैं जो क्या हो रहा है, प्रलय हो जाएगी। भगवान शिव ने कहा कि हाँ मैं जानता हूं और सब देख रहा हूं जो कुछ हो रहा है, मैं अभी जो समाप्त कर दूंगा। कहते हैं अर्धरात्रि का समय था, उसी समय जो आज का दिन जो है फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, भगवान शिव जो थे उन दोनों के बीच में लिंग के रूप में इनका प्रादुर्भाव हुआ था, और उनके जितने भी अस्त्र शस्त्र जो थे सब उसी लिंग में समा गए। दोनों आश्चर्यचकित हुई। कहते उस समय भगवान शिव ने दोनों से कहा, जब उनका वाद विवाद हो रहा था, पूछा बात क्या है। एक कहता मैं बड़ा हूं, दूसरा कहता मैं बड़ा हूं। ब्रह्मा कहते जी मेरा पुत्र है, भगवान विष्णु कहते जी मेरा पुत्र है। तुझे निर्णय करने के लिए जो है भगवान शिव ने कहा कि आप ऐसा करो, दोनों एक ऊपर की ओर चले जाइए, एक नीचे पताल की ओर चले जाइए, एक इस लिंग का आदि का पता लगाइए, एक अंत का पता लगाओ, और जब आप जो पता लगाकर पहले आएगा वही सबसे बड़ा होगा। अब जो है कहते हैं कि भगवान विष्णु नीचे पताल की ओर चलेगी, ब्रह्मा ऊपर की ओर चलेगी, इसका अंत जानने के लिए कहां इसका अंत है। और भगवान विष्णु जो है आप पताल के नीचे चले गए, चलते चलते जो देखा कहीं उसका आदि मिला नहीं, कहां से प्रारंभ हुआ है। आकर के जो भगवान शिव से कहा, महाराज मुझे इसका आदि का पता चला ही नहीं, कहां से प्रारंभ हुआ है। अब उधर जो है ब्रह्मा जो ऊपर की ओर गए हुए हैं, वहां गए जो है तो उन्हें कपिला गौ मिली, और उसने कहा देखो इस प्रकार से ऐसी बात हुई है, और मैं जो है इस बात को सिद्ध करना चाहता हूं, आप मेरे साथ वहां पर चलेंगे, क्योंकि जब मैं बतलाऊंगा भगवान शिव को जो है कि मैंने अंत देखा, तो वह ही प्रमाण मांगेंगे, तो प्रमाण के लिए आप चलोगी मेरे साथ, और आपने वहां पर कहना है किसने इसका अंत देखा है। उस केतकी नाम का फूल उन्हें मिला, तब उससे कहा कि आज मेरे साथ चलेंगे और आप ये प्रमाण देंगे वहां पर, जब मुझसे ये पूछा जाएगा कि आपने देखा है, तो मैं तो कहूंगा कि मैंने देखा है। जब प्रमाण मांगेंगे तो आप जो है सबूत के रूप में वहां पर ये कह देना कि ब्रह्मा ने हम वहीं पे थे, इसने अंत देखा है। अब दो जो है जय गवाही देने के लिए वहां पर लाए केतकी नाम का फूल और कपिला गौकिनी जो गाय जो थी।
अब ब्रह्मा जो है आए, तब भगवान शिव ने पूछा, बतलाइए आपने इस कर्म देखा? तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैं तो देख करके आया हूं। तब भगवान शिव ने कहा कि बतलाइए कोई प्रमाण। उसने कहा जे केत के फूल जो है, इससे पूछी, उससे पूछा कि हमारा वहीं पर थे, इन्होंने इसका अंत देखा। तब उन्होंने कहा कि दूसरा जे गाय, तब उसने गर्दन हिलाई कि हाँ देखा, मैं वहीं थी। और पीछे से पूछ पूछ को हिला करके बतला दिया कि नहीं देखा। तब जो है कहते उस समय भगवान शिव ने कहा कि हे केतकी, आपने झूठ बोला, इसलिए मेरी पूजा में आप वर्जित रहेंगे, मेरी पूजा में आपका प्रयोग नहीं होगा। उसका त्याग किया और फिर गौ माता से कहा कि हे माँ, हे गौ माता, आपने अपने मुख के द्वारा जो है झूठ बोला, इसलिए आपका मुख जो है अपवित्र माना जाएगा, आपके मुख की पूजा नहीं होगी। पूछे ला करके आपने जो बतला दिया किसने नहीं देखा, इसलिए आपके पृष्ठभाग की पूजा होगी, अग्रभाग की नहीं पृष्ठभाग की पूजा होगी। आपका पृष्ठभाग जो है जी पर पवित्र माना जाएगा, इसलिए गो माता के पूछ की पूजा होती है। गो माता का देखी गोबर जो मनुष्य को पवित्र करता है, गोबर पंचगव्य जिसे बनाते हैं हम, जो गो का गोबर, गोमूत्र, उसका घी, जो दूध जो है, दही, जो पांच चीजें पंचगव्य बतलाया गया है जो मनुष्य के जीवन से काम आता है, जी इसी से पवित्र होता है मनुष्य है। इसका जब प्राशन करते हैं तो पृष्ठभाग का जो भी हिस्सा जो था कि उसका गौ का जो है दूध जो है, उसका दही, घृत जो है, गोबर और गोमूत्र, जो पांचों चीजें जो है जे परम पवित्र मानी जाती है। इसलिए उस समय भगवान शिव ने जो वरदान दिया था कि आपकी पृष्ठभाग की जो है पूंछ की पूजा होगी, इस प्रकार से पृष्ठभाग जो आपका परम पवित्र माना जाएगा और मुख की पूजा नहीं होगी। बोलो सच्चे दरबार की जय। ब्रह्मा से कहा कि आपने जो है झूठ बोला है, जो तो हमारे साथ आप बड़े हैं, श्रेष्ठ चेता है, परंतु आपने झूठ बोला, अंत तो आपको दिखाई दिया नहीं और झूठ बोला है, इसलिए हमारे साथ जो है आपकी पूजा होगी, अलग से आपकी पूजा नहीं होगी। भगवान विष्णु के आप देखे कितने मंदिर हैं, भगवान शिव के जहां पर दो चार घर भी होंगे, छोटा सा नगर गांव भी होगा, वहां पर भी शिवलिंग की स्थापना की जाती है, वहां पूजा की जाती है। लेकिन ब्रह्मा का एकमात्र एक ही मंदिर है वो पुष्कर में, कहीं ब्रह्मा का मंदिर नहीं। अलग से पूजा जो पूजा की जाती है उसमें जो है भगवान विष्णु शिव के साथ ब्रह्मा की भी पूजा की जाती है, परंतु अलग से, जैसे भगवान शिव की अलग से पूजा हो रही है, भगवान विष्णु की अलग से पूजा होती है, अन्य देव देवता की पूजा होती है, परंतु ब्रह्मा की कहीं भी अलग से पूजा नहीं होती। हनुमान जी कहीं भी छोटा सा गांव भी होगा, वहां पर भी हनुमान पूज्य होते हैं। तो इसलिए इससे सिद्ध होता है कि जीवन में जो व्यक्ति अपना कल्याण चाहता है, अपना वृद्धि चाहता है, अपनी उन्नति चाहता है, यश मान कीर्ति चाहता है, उसे कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। सत्य के मार्ग पर चलता हुआ जैसे राजा हरिचंद्र जी हुए, संकल्प लिया था कभी झूठ नहीं बोलूंगा, सत्य पर चलूंगा, जो वचन करूंगा उसको पूरा करूंगा। तो जो है आज भी राजा हरिचंद्र की कीर्ति जो है अटल बनी हुई है। इस प्रकार से तब जो ने कहा कि भगवान विष्णु जी ही सबसे बड़े हैं। बोलो सच्चे दरबार की जय। जय करा शेर वाली दम। बोल सच्चे दरबार की जय। अब ब्रह्मा और विष्णु दोनों ने जो है उस लिंग की पूजा की। पूजा करने के उपरांत जो ने भगवान शिव से प्रार्थना की, महाराज जब हम जो है आपके आदि अंत को नहीं जान पाए, फिर सामान्य मनुष्य कैसे? अब इस प्रकार से आपके कैसे हम पूजा करेंगे, आप जिस लिंग का जो है आदि अंत का पता ही नहीं। कहते कि उस समय भगवान शिव जो थे वही द्वादश लिंग के रूप में इनका प्रादुर्भाव हुआ, तो द्वादश लिंग जो है जो 12 जगह जो है वह स्थापित हो गए। इस प्रकार से आज का दिन बड़ा विशेष दिन है
और जो है शिवरात्रि जो है ये रात्रि पूजन चार पहर की पूजा होती है, जागरण किया जाता है और भगवान शिव के नाम का जप जो किए जाते हैं। आज के दिन विशेष जो व्रत करते हैं, नाम जप करते हैं और संकल्प लेते हैं, हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे, कभी किसी का बुरा नहीं सोचेंगे, बुरा नहीं करेंगे। ऐसे संकल्प जो है जो हमारे अंदर जो है अवगुण है, उन अवगुणों का जो है दूर करते हुए सत्य के मार्ग पर चलते हुए ऐसा संकल्प लें, भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करें। ये साधना करने से मनुष्य परम कल्याण को प्राप्त होते हैं, उनके सब कार्य जो है व्यसिद्ध होते हैं। तो इस शिवरात्रि के अवसर पर आप सभी भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और भगवान शिव और माँ शक्ति जो है ये आपको एक साथ आशीर्वाद दें, वरदान दें और आपके समस्त मनोरथ को पूर्ण करें और आपका जीवन जन के आशीर्वाद से सुखमय बना रहे, आपके सभी कष्ट दूर हो, सर्वत्र आपका कल्याण हो। बोलो सच्चे दरबार की जय। जय कराए शेरा वाली दय। बोलो सच्चे दरबार की जय। तभी भजन की वेला है, मैं निवेदन कर रहा हूँ श्री मनिंद्र से मां के चरणों में एक भजन प्रस्तुत करेंगे। आप सभी भक्त संकीर्तन में सहयोग देना, सब मिलकर बोलना, ताली बजाते हुए श्री मनिंद्र जी। जयकारा शिरोवली जी का। बोल सच्चे दरबार की जय। बोली शंकर भगवान की जय। जो शिव नाम होठों पे चढ़ गयो रे, जो शिव नाम होठों पे चढ़ गयो रे, तो समझो जे जीवन सवर गयो रे, तो समझो जे जीवन सवर गयो रे, जो शिव नाम होठों पे चढ़ गयो रे, जो शिव नाम होठों पे चढ़ गयो रे, तो समझो जे जीवन सवर गयो रे, तो समझो जे जीवन सवर गयो रे, हाँ तो समझो जे जीवन सवर गयो रे, समझो जे जीवन सवर गयो रे, जो शिव नाम होठों पे चढ़ गयो रे, जो शिव नाम होठों पे चढ़ गयो रे, जो शिव नाम होठों पे चढ़ गयो रे, शिव नाम होठों पे चढ़ गयो रे, तो समझो समझो जे जीवन सवर गयो रे, समझो जे जीवन सवर गयो रे। मन में बसा ले तू शिव का शिवाला, 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 साथ चलेगा तेरे डमरू वाला, 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 ओ मन में बसा ले तू शिव का शिवाला, मन में बसा ले तू शिव का शिवाला, साथ चलेगा तेरे डमरू वाला, डमरू वाला। जो मन शिव की भक्ति में रम गयो रे, जो मन
मन शिव की भक्ति में रम गयो रे, जो मन शिव की भक्ति में रम गयो रे, जो मन शिव की भक्ति में रम गयो रे, तो समझो जे जीवन सवर गयो रे, तो समझो जे जीवन सवर गयो रे, हाँ तो समझो जे जीवन सवर गयो रे, जो शिव नाम होठों पे चढ़ 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 गयो रे, समझो जे जीवन सवर गयो रे, समझो जे जीवन सवर गयो रे, समझो जे जीवन सवर गयो रे, ओ समझो जे जीवन सवर गयो रे, ओ जग की ये माया बड़ी उलझाए, ये माया बड़ी उलझाए, हाँ जग की ये माया बड़ी उलझाए, जग की ये माया बड़ी उलझाए, ओ पाप कर्म मेरे सामने आए, पाप कर्म मेरे सामने आए, हाँ पाप कर्म मेरे सामने आए, पाप कर्म मेरे सामने आए, ओ जग की ये माया बड़ी उलझाए, जग की ये माया बड़ी उलझाए, ओ पाप कर्म मेरे सामने आए, पाप कर्म मेरे सामने आए, जो हाथ सिर पे शिव जी ने धर दियो रे, जो हाथ सिर पे शिव जी ने धर दियो रे, जो हाथ सिर पे शिव जी ने धर दियो रे, जो हाथ सिर पे शिव जी ने धर दियो रे, तो समझो जे जीवन सवर गयो रे, तो समझो जे जीवन सवर गयो रे, तो समझो जे जीवन सवर गयो रे, समझो जे जीवन सवर गयो रे, समझो जे जीवन सवर गयो रे, हाँ तो समझो जे जीवन सवर गयो रे, ओ समझो जे जीवन सवर गयो रे, भोले भंडारी का नाम है प्यारा, 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 नाम ने लाखों को पार उतारा, नाम ने लाखों को पार उतारा, ओ नाम ने लाखों को पार उतारा, नाम ने लाखों को पार उतारा, भोले भंडारी का नाम है प्यारा, भोले भंडारी का नाम है प्यारा, नाम ने लाखों को पार उतारा, नाम ने लाखों को पार उतारा, जो हाथ तेरा भोले ने पकड़ लियो रे, 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 तो समझो जे जीवन सवर गयो रे, तो समझो जे जीवन सवर गयो रे, हाँ तो समझो जे जीवन सवर गयो रे, तो समझो जे सवर गयो रे, जो शिव नाम होठों पे चढ़ गयो रे, शिव नाम होठों चढ़ गयो रे,
समझो जे जीवन सवर गयो रे, समझो जे जीवन सवर गयो रे, हाँ तो समझो जे जीवन सवर गयो रे, समझो जे जीवन सवर गयो रे, हाँ तो समझो जे जीवन सवर गयो रे, समझो जे कहो सवर गयो रे, तो समझो जे जीवन सवर गयो रे, तो समझो जे जीवन सवर गयो रे, समझो जे जीवन सवर गयो रे, हाँ सवर गयो रे, 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 सवर गयो रे। बोलिए शंकर भगवान की जय। विजय कुमार जी जयकारा शेरां वाली दा बोल सच्चे दरबार की। देख दमत दा मौका नी माए, देख दमत दा मौका, देख दमत दा मौका नी माए, देख दमत दा मौका, देख दमत दा मौका नी माए, देख दमत दा मौका, देख दमत दा मौका नी माए, देख दमत दा मौका, दूदा देंदे हो कान माए, देख दमत दा मौका, दूदा देंदे हो कान माए, देख दमत दा मौका, दूदा देंदे हो कान माए, देख दमत दा मौका, दूदा देंदे हो कान माए, देख दमत दा मौका, देख दमत दा मौका नी माए, देख दमत दा मौका, देख दमत दा मौका नी माए, देख दमत दा मौका। पार सवर के चरणम पाके, 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 कदी गरीबां दे घर आके, 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 कर जा पवित्र चौका नी माए, देख दमत दा मौका, कर जा पवित्र चौका नी माए, देख दमत दा मौका, देख दमत दा मौका नी माए, देख दमत दा मौका, देख दमत दा मौका नी माए, देख दमत दा मौका, दूदा देंदे हो कानी माए, देख दमत दा मौका, दूदा देंदे हो कानी माए, देख दमत दा मौका, जी कर दान नतमस्तक होके, नतमस्तक होके, कर दान नतमस्तक होके, कपला गौ तेरे सामने चौके, 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 दूध पलाइए गोका नी माए, देख दमत दा मौका, दूध पलाइए गोका नी माए, देख दमत दा मौका, देख दमत दा मौका नी माए, देख दमत दा मौका, देख दमत दा मौका नी माए, देख दमत दा मौका, कच्ची लगन दी रोटी बनाइए, 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 पूजा पाठ दी दाल खिलाइए, 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 शरदा नाल शोका नी माए, देख दमत दा मौका, शरदा नाल शोका नी माए, देख दमत दा मौका, देख दमत दा मौका नी माए, देख दमत दा मौका, देख दमत दा मौका नी माए, देख दमत दा मौका, दूदा देंदे होका नी माए, देख दमत दा मौका, दूदा देंदे होका नी माए, मन कहंदा तेरे कोल मखड़के, मन कहंदा तेरे कोल मखड़के, मन
ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮਖੜ ਕੇ, ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮਖੜ ਕੇ, ਹੋਰ ਪੰਖ ਦੀ ਪੰਕੀ ਫੜ ਕੇ, ਹੋਰ ਪੰਖ ਦੀ ਪੰਕੀ ਫੜ ਕੇ, ਹੋਰ ਪੰਖ ਦੀ ਪੱਕੀ ਫੜ ਕੇ, ਹੋਰ ਪੰਖ ਦੀ ਪੱਕੀ ਫੜ ਕੇ, ਹਵਾ ਦਾ ਦੇਈਏ ਝੋਕਾ ਨੀ ਮਾਏ, ਹਵਾ ਦਾ ਦੇਈਏ ਝੋਕਾ ਨੀ ਮਾਏ, ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਮੌਕਾ, ਹਵਾ ਦਾ ਦੇਈਏ ਝੋਕਾ ਨੀ ਮਾਏ, ਇਹ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਮੌਕਾ, ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨੀ ਮਾਏ, ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮੌਕਾ, ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨੀ ਮਾਏ, ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮੌਕਾ, ਉਹ ਕਦੂ ਦਾ ਦੇਈਏ ਝੋਕਾ ਨੀ ਮਾਏ, ਇਹ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਮੌਕਾ, ਇਹ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨੀ ਮਾਏ, ਇਹ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਮੌਕਾ, ਨਿਰਦੋਸ਼ ਮਾਈਏ ਬਹਿ ਜਾ, ਨਿਰਦੋਸ਼ ਮਾਈਏ ਬਹਿ ਜਾ, ਨਿਰਦੋਸ਼ ਮਾਈਏ ਬਹਿ ਜਾ, ਨਿਰਦੋਸ਼ ਮਾਈਏ ਬਹਿ ਜਾ, ਕੁੱਟਿਆ ਤੂੰ ਹਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾ, ਕੁੱਟਿਆ ਤੂੰ ਹਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾ, ਇਸ ਕੁੱਟਿਆ ਤੂੰ ਹਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾ, ਕੁੱਟਿਆ ਤੂੰ ਹਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾ, ਪੂਰੇ ਦਿਨੇ ਦਾ ਚੋਕਾ ਨੀ ਮਾਏ, ਇਹ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਮੌਕਾ, ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨੀ ਮਾਏ, 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 ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਮੌਕਾ, ਉਹ ਕਦੂ ਦਾ ਦੇਂਦੇ ਹੋਕਾ ਨੀ ਮਾਏ, ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਮੌਕਾ, ਕਦੋਂ ਦਾ ਦੇਂਦੇ ਹੋਕਾ ਨੀ ਮਾਏ, ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਮੌਕਾ, ਕਦੋਂ ਦਾ ਦੇਂਦੇ ਹੋਕਾ ਨੀ ਮਾਏ, ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਮੌਕਾ, ਕਦੋਂ ਦਾ ਦੇਂਦੇ ਹੋਕਾ ਨੀ ਮਾਏ, ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਮੌਕਾ, ਦੇ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਮੌਕਾ, ਦੇ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਮੌਕਾ, ਦੇ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਮੌਕਾ, ਦੇ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਜੈਕਾਰਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਦਾ, ਬੋਲ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ, ਜੈਕਾਰਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਦਾ, ਬੋਲ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ, ਮੁਝੇ ਤੇਰਾ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਦਾ, ਮੁਝੇ ਤੇਰਾ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਧਰਮ ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਣੂ, ਜੋਤੀ ਤੇਰੀ ਅਮਰ ਹੈ ਜਗਮਗ ਇਤਨਾ ਮੈਂ ਬਹਿ ਜਾਣੂ, ਜੋਤੀ ਤੇਰੀ ਅਮਰ ਹੈ ਜਗਮਗ ਇਤਨਾ ਮੈਂ ਬਹਿ ਜਾਣੂ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਦਾ ਹੂੰ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਧਰਮ ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਣੂ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਦਾ ਹੂੰ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਧਰਮ ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਣੂ, ਜੋਤੀ ਤੇਰੀ ਅਮਰ ਹੈ ਜਗਮਗ ਇਤਨਾ ਮੈਂ ਜਗਮਗ ਇਤਨਾ ਮੈਂ ਪਹਿਚਾਨੋ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਤੇ ਉੱਚਾ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਮਾਂ, ਓ ਤੇਰਾ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਮਾਂ, ਤੇਰਾ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ
करो मां मैं हूँ अब गुनहारा। चरण कमल का दे दो आसरा सेवक बनू तिहारा। चरण कमल का दे दो आसरा सेवक बनू तिहारा। मेरे अब गुण माफ करो मां मैं हूँ अब गुनहारा। मेरे अब गुण माफ करो मां मैं हूँ अब गुनहारा। चरण कमल का दे दो आसरा सेवक बनू तिहारा। चरण कमल का देव आसरा सेवक बनू तिहारा। तुझे दिल ने पुकारा रे रोवाली माँ। तुझे दिल ने पुकारा शेरोवाली माँ। छवि प्यारी माता की मूर्त है साची मन में छवि प्यारी। माँ बेटे का अमर है नाता जाने दुनिया सारी। माँ बेटे का अमर है नाता जाने दुनिया सारी। माता की मूर्त है साची मन में छवि प्यारी। माता की मूर्त है साची मन में छवि प्यारी। तूने पापियों को तारा शेरोवाली माँ। तूने पापियों को तारा शेरोवाली माँ। तूने पापियों को तारा शेरोवाली माँ। तूने पापियों को तारा शेरोवाली जगाओ मन में दूर करो अंधियारा। मन की आंखों से मैं देखूं सुंदर द्वार तिहारा। मन की आंखों से मैं देखूं सुंदर द्वार तिहारा। सच्ची ज्योत जगाओ मन में दूर करो अंधियारा। सच्ची ज्योत जगाओ मन में दूर करो अंधियारा। मन की आंखों से मैं देखूं सुंदर द्वार तिहारा। मन की आंखों से मैं देखूं सुंदर द्वार तिहारा। तेरा नाम सदा प्यारा शेरोवाली माँ। 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 जलाऊं तेरा जगराता में श्रद्धा दीप जलाऊं। जय माता की बोल बोल के जीवन सफल बनाऊं। जय माता की बोल बोल के जीवन सफल बनाऊं। करूं तेरा जगराता में श्रद्धा दीप जलाऊं। करूं तेरा जगराता में श्रद्धा दीप जगाऊं। जय माता की बोल बोल के जीवन सफल बनाऊं। जय माता की बोल बोल के जीवन सफल बनाऊं। करो मेरा भी
सच्चे दरबार की जय। तो अगली प्रस्तुति प्रस्तुत करेंगे श्री मनिंद्र जी। जयकारा श्री रामनिधिदा सच्चे दरबार की। पर देंदी पंडारे मां मेरी पर देंदी पंडारे पर देंदी पंडारे मां मेरी पर देंदी देंदी पंडारे मां मेरी पर देंदी पंडारे पर देंदी पंडारे मां मेरी पर देंदी पंडारे ओ मैया पोली पर दी चोली जेड़ा आवे द्वारे पर देंदी पंडारे मां मेरी पर देंदी पंडारे 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 ऐ हो डरे जिसनू मन्या देवतियां ते पीरा ऐ हो डरे जिसनू मन्या देवतियां ते पीरा ऐ हो डरे जिसनू मन्या देवतियां ते पीरा ऐ हो डरे इस दर चुक के बदल जांदियां मत्थे दियां लकीरां इस दर चुक के बदल जांदियां मत्थे दियां लकीरां इस दर चुक के बदल जांदियां मत्थे दियां लकीरां इस दर चुक के बदल जांदियां मत्थे दियां लकीरां खोल देंदी करमा दे बूहे जेड़ा आवे द्वारे पर देंदी पंडारे मां मेरी पर देंदी पंडारे 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 ओ शेरा वाली मां दी कृपा कंडियां फुल बनाए शेरा वाली कृपा कंडिया फुल बनाए शेरा वाली मां दी कृपा कंडिया फुल बनाए शेरा वाली मां दी कृपा कंडिया फुल बनाए ओ टूटे होए दिल जोड़े ओ मुड़ के आन मिलाए टूटे होए दिल जोड़े ओ मुड़ के आन मिलाए टूटे होए दिल जोड़े ओ मुड़ के आन मिलाए टूटे होए दिल जोड़े ओ मुड़ के आन मिलाए ओ मां दे चरणा दे बिच भगतो दुनिया दे सुख थारे पर देंदी पंडारे मां मेरी पर देंदी पंडारे पर देंदी पंडारे मां मेरी पर देंदी पंडारे ओ पर देंदी पंडारे मां मेरी पर देंदी पंडारे पंडारे पर देंदी पंडारे मां मेरी पर देंदी पंडारे ओ जन्म जन्म दे पाप मिटावे दर मुक्ति दा खोले जन्म जन्म दे पाप मिटावे दर मुक्ति दा खोले जन्म जन्म दे पाप मिटावे दर मुक्ति दा खोले जन्म जन्म दे पाप मिटावे दर मुक्ति दा खोले ओ सच्चे दिल नाल इक बार जेड़ा जय माता दी बोले सच्चे दिल नाल इक बार जेड़ा जय माता दी सच्चे दिल नाल इक बार जेड़ा जय माता दी बोले
सच्चे दिल नाल एक बारी जेड़ा जय माता दी हो नो रंग चोले वाली मेरी पाले रंग न्यारे परदे दी भंडारे मां मेरी परदे दी भंडारे परदे दी भंडारे मां मेरी परदे दी भंडारे ओ परदे दी भंडारे मां मेरी परदे दी भंडारे परदे दी भंडारे मां मेरी परदे दी भंडारे ओ मैया पोली भरदी चोली भंडारे मां मेरी परदे दी भंडारे परदे दी भंडारे मां मेरी परदे दी भंडारे आ परदे दी भंडारे मां मेरी परदे दी भंडारे परदे दी भंडारे मां मेरी 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 परदे दी भंडारे मां जयकारा शेरवान जी का बोल सच्चे दरबार की जय कवि भूषण पुस्तक विजय कुमार जी जयकारा शेरावाली दा बोल सच्चे दरबार की जय बोलिए शंकर भगवान की जय भोला को कैसे मैं मनाऊं रे मेरा भोला न माने भोला को कैसे मैं मनाऊं रे मेरा भोला न माने भोला को कैसे मैं मनाऊं रे मेरा भोला न माने भोला को कैसे मैं मनाऊं रे मेरा भोला न माने भोला न माने मेरा शंकर 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 न माने भोला को भोला को भोला को कैसे मैं मनाऊं रे मेरा भोला न माने भोला को कैसे मैं मनाऊं रे मेरा भोला न माने भोला को कैसे मैं मनाऊं रे मेरा भोला न माने भोला को कैसे मैं मनाऊं रे मेरा भोला न माने लट्टूगा पेड़ा भोला को भाए ना लट्टूर पेड़ा भोला को भाए ना लट्टूगा पेड़ा भोला को भाए ना लट्टूर पेड़ा भंग कहाँ से मैं लाऊं रे मेरा भोला न माने भंग कहाँ से लाऊं रे मेरा भोला न माने भंग कहाँ से मैं लाऊं रे मेरा भोला न माने वो भाग कहाँ से लाऊं रे मेरा भोला न माने भोला को कैसे मैं मनाऊं रे मेरा भोला न माने भोला को कैसे मैं मनाऊं रे मेरा भोला न माने भोला न माने मेरा शंकर 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 न माने भोला को भोला को भोला को कैसे मैं मनाऊं मैं मेरा भोला न माने हाँ भोला को कैसे मैं मनाऊं रे मेरा भोला न माने भोला को कैसे मैं मनाऊं रे मेरा भोला न माने हाँ भोला को कैसे मैं मनाऊं रे मेरा भोला न माने भोला न माने मेरा शंकर न माने भोला न माने मेरा शंकर न माने भोला को भोला को कैसे मैं मनाऊं रे मेरा भोला न माने भोला को कैसे मैं मनाऊं रे मेरा भोला न माने भोला को भाए ना ढोलक मदीना भोला को भाए ना ढोलक मदीना भोला को भाए ना ढोलक
ढोलक मदीना घुमाए ना ढोलक मदीना तू कहा से मैं लाऊं रे मेरा भोला न माने तू कहा से लाऊं रे मेरा भोला न माने डमरू कहा से मैं लाऊं रे मेरा भोला न माने डमरू कहा से लाऊं शंकर न माने भोला न माने मेरा शंकर न माने भोला न माने शिव शंकर न माने भोला न माने मेरा शंकर न माने भोला को कहो भोला को भोला को कैसे मैं मनाऊं रे मेरा भोला न माने भोला को कैसे मैं मनाऊं रे मेरा भोला न माने भोला को कैसे मैं मनाऊं रे मेरा भोला न माने भोला को कैसे मैं मनाऊं रे मेरा भोला न माने मेरा भोला न माने मेरा भोला न माने ओ मेरा भोला न माने मेरा भोला न माने जयकारा शेरा वाली दा बोल सच्चे दरबार की बोलिए शंकर भगवान की जय आरोण सदहंस भ्रमतिगरणे दक्षिणे चक्षुत्र वामे हस्तधिभ्याम्भ्रे कणकमयं पुस्तकं जानगम्यं सभिना भदन्ते स्वकृतजपे शास्त्रविज्ञान शब्दे प्रीणन्त दिव्यरूपाकर कमलधर भारती सप्रसन्ना ज्योता वाली माता तेरी सदा ही जय। आज का पंचांग विक्रमादित्य से संबद्ध 2075 उत्तरायण दक्षिण गोल बसंत ऋतु फाल्गुन मास की आज 20 प्रवेश ही कृष्ण पक्ष आज त्रयोदशी तिथि ही आज त्रयोदशी जो है जिस 4:29 तक ही उसके उपरांत चतुर्दशी प्रारंभ होगी सोमवार तदनुसार 4 मार्च सन 2019 के दिन प्रातः काल आरती के समय आप भक्तजनों को मां भगवती की असीमन कंपा से मां के दरबार में सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप बड़े ही भाग्यशाली ही पुण्यात्मा हैं जब भक्तों को इस आरती की परम पवित्र वेला में और विशेष आज शिवरात्रि के दिन जो है माँ के चरण में बैठ करके माँ भगवती की आराधना करने का पुण्य अर्जित करने का इस जगजन्य जगत माता का आशीर्वाद प्राप्त करने का वास्तव में शिव शक्ति इस गुहा के अंदर जो है जो माँ भगवती आदि शक्ति जो है 3 पिंड के विराजमान है और वही भगवान शिव विराजमान है। तो ऐसी मैंने पहले बतलाया आपको कि जहाँ शिव है वहाँ शक्ति ही जहाँ शिव शक्ति है वहाँ शिव है और शिव शक्ति के एक साथ आपको दर्शन और आशीर्वाद का लाभ जो है आज प्राप्त हो रहा है शिवरात्रि के दिन। माँ भगवती की इसी तरह से भक्तों की कृपा बनी रहे और भगवती के चरणों की सेवा का सौभाग्य सदा सर्वदा आप भक्तों को प्राप्त होता रहे। इस परम पवित्र वेला में आप सभी भक्तों को और जो श्रद्धालु माँ वैष्णो देवी दरबार की आरती को देख रहे हैं उन श्रद्धालुओं को भी माँ वैष्णो देवी की ओर से भूरी भूरी आशीर्वाद। आयुष्मान भव संतते भान भव शरमान जसस्वे भव प्रज्ञा भान भव भूर्भूत करणे दाने कनिष्ठ भव तेजस्वी भव धैर्य दर्भदलने व्यापार दक्ष भव श्री शंबर पाद पुनरतः सर्वोपकारी भव मंत्रार्थ सफला संत पूर्ण संत मनोर्थ शत्रुनाम बुद्धिनाशोस्त मित्राणाम उदयस्त शरीर वर्चस्व आयुष्यम आरोग्यम आविदात शुभमानम हीयते धनम धान्यम पशुम भूपुत्र लाभम सत्संवत्सरम दीर्घमायुः अस्तु दीर्घमायुः।
माँ भगवती आप भक्तों की दीर्घायु करें, आपको सुख समृद्धि प्रदान करें, धन धान्य से सम्मानित करें, सब ओर से आपका मंगल करें, आपकी यात्रा को सार्थक करें। बोलो सच्चे दरबार की जय। तभी माँ भगवती की आरती होगी, आप सभी भक्तजन भक्ति भाव से माँ की आरती करेंगे, संभल कर बोलना ताली बजाते हुए। ओम जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी मैया, जय मंगल करनी मैया, जय आनंद करनी मैया जी को निश दिन जावत हरि ब्रह्मा शिव। Yeah.
श्रीमाल के तुम राजस कोटि रतन ज्योति मनोर्थ पूर्ण करने वाली माता तेरी सदा ही जय सबको सद्बुद्धि देने वाली माता तेरी सदा ही जय बोलो सच्चे दरबार की जय। तो परम पूज्य पुजारी जी माँ भगवती की पूजा करके आपके सामने इस गुफा द्वार पर आ गई हूँ। इस पवित्र गुफा का पूजन करेंगे, अखंड ज्योति का पूजन होगा, उसके उपरांत माँ भगवती की आरती उतारी जाएगी। आरती आप सभक जनों के बीच में आएगी। शांति पूर्वक अपने अपने स्थान पर बैठे बैठे आरती की वंदना करना और माँ भगवती से अपने कल्याण के लिए परिवार की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करना। बोलो सच्चे दरबार की जय। जय प्रेम से बोलो जय माता दी, 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 जय जगदम्बे, जय जय अम्बे, 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 जय जय अम्बे, जय जय अम्बे, जय जय अम्बे। तो सभी भक्तजन भक्ति भाव से दोनों हाथ जोड़ करके माँ से प्रार्थना करेंगे। सब मिलकर के बोलना देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि मे परमं सुखम, देहि मे परमं सुखम, रूपं देहि दयां देहि, रूपं देहि दयां देहि, यशो देहि दिशो देहि, यशो देहि ध्वजो देहि। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे, ॐ ऐं ह्रीं चामुण्डाय विच्चे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तो निरामयाः, सर्वे सन्तो निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, दुःखभाग् भवेत्। शान्तिः शान्तिः, शान्तिः शान्तिः, शान्तिः शान्तिः। अब शान्ति पर बैठे बैठे आरती क्रम देखे सुने और मन मन माँ भगवती का नाम स्मरण करें। आप परम पूज्य पुजारी जी आरती प्रारंभ करते हैं। आप सभी आरती का आनंद लीजिए और माँ से प्रार्थना कीजिए, माँ भगवती आप सब भक्तों का मंगल करें। जय माता दी।
Hi.
शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शिव और शक्ति हमेशा आप सबके साथ रहें, आप सबके परिवार के साथ रहें, आप सबके कुटुंब के साथ रहें। भगवती माता रानी और भगवान भोलेनाथ जी से हम यही प्रार्थना करते हैं कि हे जगजननी, आप सबकी मनोकामनाएं पूरी करें, आप सबकी झोलियां खुशियों से भरें, आप सबकी हाजिरी कबूल करें और आप सबको अपने दरबार में जल्दी जल्दी बहुत सारी खुशियों के साथ फिर से बुलाएं। बोलो सच्चे दरबार की जय। बड़ी ठंडी ठंडी जय। सबने आरती का आनंद लिया।
किसी ने लिया किसी ने नहीं लिया। सबको आरती का आनंद आया। जब आरती का आनंद आता है उसका जोश ही अलग होता है। श्राइन बोर्ड ने आपके लिए शीशे लगा दिए ताकि आपको ठंडी ठंडी ना लगे, लेकिन जब ठंडी ठंडी लगती थी जयकारा बहुत जोर से निकलता। पूरे जोर से बोलिएगा, बोलो सच्चे दरबार की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय, हर 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 महादेव, हर 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 महादेव, हर 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 महादेव। आशीर्वाद, जय माता दी। Yeah. Yeah. What I'm doing? How would I?